नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी बड़ी खबरों के बारे में जो कि निकल कर आ रही हैं सीधे IPL और सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट से। और दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं क्योंकि दोस्तों IPL 2021 अब बस स्टार्ट होने ही वाला है। तो दोस्तों इसी वजह से जो खबरें हैं, जो फ्रेंचाइजीज को लेकर खबरें हैं, कौन आ चुका है, कौन नहीं आया है, किसका कैंप कहाँ शिफ्ट हो रहा है, सारी चीज़ों को लेकर दोस्तों अपडेट आ रही है हमारे पास। तो दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों यहां पर सबसे पहली अपडेट आ रही है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर। दोस्तों रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की इंजरी अपडेट हम लेकर आए हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले बात करें श्रेयस अय्यर की, तो दोस्तों श्रेयस अय्यर ने अपना जो शोल्डर है वो डिसलोकेट कर लिया है, यानी कि वो अपनी जगह से थोड़ा सा अलग जगह शिफ्ट हो चुका है। और इसी वजह से अब उसको सही होने में दोस्तों मुझे लगता है कि 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। और दोस्तों यहां पर श्रेयस अय्यर के लिए और दिल्ली की फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी बुरी खबर है। ठीक IPL से पहले जहाँ पर दोस्तों करीब 1.5 महीने का टाइम जो है वो श्रेयस अय्यर को सही होने में लगेगा, ऐसी BCCI की तरफ से अपडेट आई है। और दोस्तों इस हिसाब से माने तो IPL 2021 में अब श्रेयस अय्यर जो है वो मुश्किल ही खेल पाएं और उनकी जगह पर शायद हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स की कमान जो है वो होगी स्टीवन स्मिथ के हाथों में। अब दोस्तों आगे क्या अपडेट आती है उसकी हम आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। और बात करें दोस्तों रोहित शर्मा की, तो दोस्तों रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर अपडेट अभी तो कुछ खास आई नहीं है, जहाँ पर रोहित शर्मा को दोस्तों हैमस्ट्रिंग की समस्या हो रही है हल्की फुल्की। दोस्तों IPL 2020 में भी उनको हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई थी और उसके बाद में एक बार फिर से उनको वही समस्या लगभग हो रही है। लेकिन दोस्तों अभी रोहित शर्मा के ऊपर में कुछ खास अपडेट आई नहीं है, लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको ज़रूर से प्रोवाइड करवाएंगे। वहीं पर दोस्तों बात करें अगली अपडेट की, अगली अपडेट आ रही है MS धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर। दोस्तों चेन्नई में MS धोनी और उनके कुछ मेंबर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कैंप लगा रखा है उन्होंने और वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोस्तों अब जो चेन्नई सुपर किंग्स है उनके जो शुरुआती मैचेस हैं वो यहाँ पर मुंबई में होने वाले हैं। तो इसी वजह से अब 26 मार्च को चेन्नई का जो स्क्वाड है, जो मतलब जितने भी मेंबर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जो है अपना कैंप जो है वो मुंबई शिफ्ट करने वाले हैं 26 मार्च को। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी। वहीं पर दोस्तों बात करें अगली अपडेट की, अगली अपडेट आ रही है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के कप्तान विराट कोहली के रिगार्डिंग, जहां पर दोस्तों 5वें T20 में जब विराट कोहली ने ये बोला था कि वो RCB की तरफ से भी ओपन करने वाले हैं IPL 2021 में, तो दोस्तों इस पर इनके हेड ऑफ डायरेक्टर माइक हैसन का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर दोस्तों हैसन ने बोला है कि मैं काफ़ी खुश हूं कि कोहली ने खुद आकर मेरी एक दुविधा का अंत किया, जहां पर उन्होंने ओपनिंग के सवाल को यहां पर खत्म किया और काफी लोगों के क्वेश्चंस थे कि ओपनिंग कौन करेगा, और यहां पर मुझे लगता है कि उन सभी सवालों के जवाब विराट कोहली ने दे दिए हैं। दोस्तों 5वें T20 में विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ में ओपन किया था और ओपन करते हुए दोस्तों 52 गेंदों में 80 रन की शानदार पारी खेली थी, जहां पर एक तरफ से वो अपनी टीम को मॉनिटर करते हुए नजर आए। वहीं पर दोस्तों माइकल वॉन ने भी ये सजेस्ट किया है कि कोहली को ओपन करना चाहिए RCB की तरफ से, क्योंकि दोस्तों अब RCB की टीम में ग्लेन मैक्सवेल आ चुके हैं जो कि पारी को संभाल सकते हैं। इसके अलावा डैन क्रिश्चियन, डैनियल सैम्स, हर्षल पटेल, कुछ अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है वो आ चुके हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में संभाल सकते हैं। तो इसी वजह से RCB तरफ से विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों बात करें अगली अपडेट की, अगली अपडेट आ रही है दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर। दोस्तों BCCI जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए इंग्लैंड एक बिल्कुल बहुत बड़ा स्क्वाड भेजने के बारे में सोच रहा है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला है, इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में होने वाला है। और दोस्तों इस फाइनल के लिए मतलब ये एक वर्ल्ड कप से कम नहीं होगा, यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप है और इसी वजह से उसका फाइनल जो है वो होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर BCCI एक भारी भरकम स्क्वाड भेजने वाला है, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जस्ट बाद में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ में टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है और वो भी इंग्लैंड के अंदर ही। तो इसी वजह से एक बड़ा स्क्वाड जो है वो बनाकर BCCI भेजने वाला है, ऐसी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों हाल ही में टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने 3-1 से इंग्लैंड को हराया था और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे अगली अपडेट की, अगली अपडेट आती है दोस्तों कृणाल पांड्या को लेकर। दोस्तों कृणाल पांड्या ने पहले ODI में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में डेब्यू किया और डेब्यू मैच में दोस्तों उन्होंने शानदार अर्धशतक जमाया, इसके साथ ही दोस्तों अच्छी खासी गेंदबाजी भी करी। और दोस्तों जब मैच प्रेजेंटेशन में उनसे सवाल पूछने के लिए उनको बुलाया गया तो दोस्तों वो भावुक नजर आए और उन्होंने दोस्तों ये बोला कि ये जो पारी थी, ये जो प्रदर्शन
कलेक्शन था वो मेरे पिता के लिए था, और इतना कहकर दोस्तों वो भावुक हो गए और कुछ भी कहने मतलब कुछ भी वो आगे ना कह सके। और दोस्तों अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें अगली अपडेट की, अगली अपडेट आ रही है दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स को लेकर। दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स जो कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है आईपीएल 2021 के, दोस्तों उन्होंने आईपीएल 2021 के लिए जो ऑफिशियल एंथम है वो रिलीज कर दिया है। जी काफ़ी इंटरेस्टिंग और कूल ये एंथम लग रहा है, जहाँ पर दोस्तों अगर आपको उस एंथम को देखना है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप उस एंथम को देख सकते हैं। हमने वहाँ पर डाल रखा है तो वहाँ पर आप उस एंथम को देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे अगली अपडेट की, अगली अपडेट में दोस्तों बेसिकली बात करेंगे हम जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट्स के बारे में, जहां पर दोस्तों हम सभी को पता है कि जोफ्रा आर्चर जो है वो उनकी कोहनी को इंजर्ड कर बैठे हैं, और इसी वजह से दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान जो है वो खड़े हो गए हैं जोफ्रा आर्चर के पार्टिसिपेशन पर कि वो क्या खेल पाएंगे या फिर नहीं आईपीएल 2021 में। तो दोस्तों इसी वजह से अब इस वीडियो में हम टॉप फाइव रिप्लेसमेंट बताने वाले हैं कि अगर जोफ्रा आर्चर नहीं खेलते हैं तो फिर उनकी जगह पर कौन से खिलाड़ी है जो कि उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में जेसन बैरनडॉफ, मिचेल मैकलैनिगन, बिली स्टैनलैक, ओशिन थॉमस और शेल्डन कॉटरेल का नाम शामिल है। दोस्तों ये पांच खिलाड़ी जो हैं, इनमें से ही कोई एक खिलाड़ी जो है वो जोफ्रा आर्चर को रिप्लेस कर सकता है। अब दोस्तों वो कौन सा खिलाड़ी होगा, पहला तो सवाल ये होगा कि जोफ्रा आर्चर खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो ठीक है, और अगर नहीं खेलते हैं तो फिर इनमें से ही कोई एक खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर रिप्लेस करेगा। वहीं पर दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई और खिलाड़ी है जो कि आर्चर की रिप्लेसमेंट होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वहीं पर दोस्तों अगली अपडेट आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स के दो स्टार खिलाड़ी सुनील नारायण और आंद्रे रसल जो है वो भारत पहुँच चुके हैं, और प्रैक्टिस कैंप में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुँच चुके हैं, और जो जहाँ पर दोस्तों उनका क्वारंटीन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और क्वारंटीन खत्म होते ही नेक्स्ट वीक यहाँ पर केकेआर की टीम अपना कैंप लगा सकती है। तो यहाँ पर इन खिलाड़ियों का जो है वो क्वारंटीन स्टार्ट हो चुका है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे अगली अपडेट की, अगली अपडेट आई है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लेकर। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का दिल यानी कि अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स के भारत आने की डेट जो है वो यहाँ पर सामने आई है, जहाँ पर दोस्तों इनके हेड ऑफ डायरेक्टर माइक हैसन ने ये बोला है, मतलब उन्होंने कंफर्म किया है कि ए बी डिविलियर्स जो है वो 28 मार्च को भारत आ जाएंगे। जी हाँ, और हमने दोस्तों आपको पहले भी बोला था कि ए बी डिविलियर्स जो है वो 28 मार्च 25 से मतलब 26-27 मार्च तक भारत आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 28 मार्च के समथिंग ही आरसीबी अपना कैंप लगाएगी, और उसमें दोस्तों क्वारंटीन के रूल्स भी होते हैं। तो इसी वजह से हमने जो आपको डेट बताई थी, एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, वही डेट यहां पर सामने आई है, और ए बी डिविलियर्स जो है वो 28 मार्च को भारत आएंगे, ये कंफर्म कर दिया है माइक हैसन ने। अब दोस्तों यही थी अभी की कुछ बड़ी अपडेट। दोस्तों कुछ ही देर में हम आरसीबी की प्लेइंग 11 डालने वाले हैं, जिसमें विराट कोहली ओपन करेंगे। तो दोस्तों किस तरह की प्लेइंग 11 बनने वाली है उसके बारे में हम आपको पूरी खबर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह की अपडेट्स को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों हम आपको आईपीएल के दौरान काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।